हेलो, स्माइल ग्रीटिंग, सादर नमस्ते। हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट टाइम एक्यूपंक्चर। टाइम पे जाके हम इतना तो करते हैं कि उस दिन का, उस महीने का ओपनिंग पॉइंट बोलते हैं एनर्जी का, वो एनर्जी को ओपन करते हैं। इतना तो करते हैं, हमें बाकी का ट्रायोरिजन मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं है। तो इतना हम कर सकते हैं कि उस दिन पे, उस घंटे पे जाके, उस समय पे जाके ओपनिंग पॉइंट, वहां ओपन करेंगे एनर्जी का सोर्स। और जो कॉस्मिक एनर्जी या एग्जिस्टेंस स्पिरिट की जो एनर्जी है, उसको रिसीव करने के लिए हम पॉइंट ओपन करते हैं। ये इधर तक सबको ये यूज में आने वाला है टाइम। अभी बाद में जिसको ज्यादा कैसे यूज करना है, तो जिसको समझो सिक्स की आ रही है, करस्पॉन्डेंस आ रहा है, तो करस्पॉन्डेंस का यूज करेंगे उस टाइम पे। सिक्स की आ रही है तो सिक्स की का यूज करेंगे। ट्रायोजन भी आ रहा है तो ट्रायोजन का यूज करेंगे। आपको मुद्रा मालूम है तो मुद्रा का यूज करेंगे, या अलग है। लेकिन उस समय पे कैसे पहुंचना है, ये आज से हम शुरू करते हैं। तो आज पहला हम न्यूटो टाइम देखते हैं। न्यूटो टाइम ट्रायोरिजन उसको आज देखते हैं, न्यूटो को। तो न्यूटो टाइम, टाइम के भी हमने न्यूटो, हिट्रो, होमो, न्यूट्रो, ऐसे प्रोफेसर ने चार प्रकार के हमें एक रूट दिए हैं कि उससे हम टाइम को टच कर सकते हैं, समय को टच कर सकते हैं। और ये टाइम, यह हमारे किसी भी इवेंट से जुड़ा हुआ है, तो हम किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना, किसी भी डिसीज की इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है तो उसमें एक टाइम फैक्टर होगा। तो उस टाइम फैक्टर के ऊपर अपने को ट्रीटमेंट देनी है। तो उसके ऊपर जाने के लिए अलग अलग अपने पास मार्ग है। तो इसका एक जो है, आज हम न्यूटो टाइम की शुरुआत कर रहे हैं। न्यूटो टाइम एक्यूपंक्चर, न्यूटो टाइम। तो जो न्यूटो टाइम है, ये एक कॉमन टाइम है। न्यूटो टाइम जो हम बोल रहे हैं, तो ये कॉमन टाइम है। न्यूटो टाइम कॉमन टाइम है, फिक्स टाइम है, ये फिक्स है सबके लिए। इसके लिए इसे न्यूटो बोला गया। ये फिक्स्ड है सभी की लाइफ, यानी आज का डे है वो आप मैं सभी लोगों के जीवन में, आज का जो डे है उसकी जो एनर्जी है सबके जीवन, सबके साथ जुड़ी हुई, आज की या इस महीने की, यानी फिक्स्ड है। न्यूटो टाइम जो भी एनर्जी उस टाइम की है वो फिक्स है, कॉमन है सबके लिए। न्यूटो टाइम, न्यूटो टाइम को और हम कैसे जानते हैं, तो न्यूटो टाइम जो है, हाँ क्या स्क्रीन नॉट विजिबल भारत जी? स्क्रीन नॉट विजिबल कैसे आ रहे हैं? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। बीच ठीक में है, वो वहां पे नेटवर्क बस प्रॉब्लम होगा उनका। अच्छा, ओके हाँ ओके ओके ओके। तो हम न्यूटो टाइम क्या है कि जो फिक्स टाइम है, जैसे सीजन, सीजन ये फिक्स है। वो जो टाइम चलता है सीजन फिक्स है। अपनी कॉमन डे एंड नाइट जो है, डे नाइट जो भी सब चल रहा है, ये फिक्स्ड है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक। हजारों अरबों खरबों वर्षों से ये सब चल रहा है और ये निरंतर चल रहा है हम लोग। तो यही क्या है, न्यूटो है। ये न्यूटो है, इसकी वैसे तो कोई डिवीजन नहीं है, न्यूटो के अंदर कोई डिवीजन नहीं है। तो इसके लिए इसकी कोई डिवीजन नहीं है, ये साइक्लिक है। वैसे देखा जाए तो टाइम को हम कैसे काउंट
कर सकते, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, वो तो फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसको कैसे काउंट करेंगे? तो उसको हम काउंट नहीं कर रहे, हम किसी रेफरेंस से उसको देखते हैं, कोई एक रेफरेंस पकड़ते हैं और बाद में वहां से हम कहां तक जाते हैं उसको पकड़ते हैं और उसे हमें समझ में आता है इतना टाइम गया। कोई रेफरेंस को पकड़ के, जैसे हमने चांद को पकड़ा, लूनर टाइम बोलते हैं, चांद को पकड़ा हमने कि चांद इतना इतना जब टाइम लेता है, टाइम बाद में समझ में आया, लेकिन इधर तक जाता है, एक फिक्स उसकी पोजीशन सुबह शाम को दोपहर को कौन सी पोजीशन है वो देखते हुए हमें टाइम का पता चलता है। घड़ी हमको टाइम का पता करने में काम आती है, टाइम नहीं समझता है, टाइम यानी अब तक कितना ये हो गया है तो काउंट करने के लिए हम घड़ी ले रहे हैं। तो वैसे चांद और सूरज को हमने एक उसका एक पुल बनाया, सूरज अभी सुबह जब आता है तो उसके बाद में माथे पे कब आता है और सनसेट कब होता है, तो इसको पकड़ के हमने समझा कि इतना टाइम है। तो टाइम का कैलकुलेशन के लिए हम कुछ ऐसे चीजों को पकड़ के हमने किया है। वैसे चांद और सूरज, लूनर टाइम, सोलर टाइम, ये सब हमने किया क्योंकि टाइम को ऐसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें भी हमने देखा कि ये न्यूटो टाइम में क्या कर रहे हैं, तो ये फिक्स टाइम है, सूरज का सुबह से शाम तक का जो टाइम है, सनसेट, सनराइज से सनसेट एक फिक्स है, इतने घंटे में इतने घंटा उसको चलना है, ये सब अभी पता चल रहा है, इसे हम टाइम को कैलकुलेट कर। तो इसके लिए ये जो टाइम है ये कॉमन टाइम पूरी दुनिया के लिए, अपने प्लेनेट के लिए ये कॉमन चल रहा है, इसके लिए इसको न्यूटो टाइम हम बोलेंगे। इसमें इंडिविजुअलाइज कुछ नहीं है, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं देख रहे, अपने प्लेनेट, अपने प्लेनेट जो रिवॉल्विंग जो घूम रही है और उसके हिसाब से, और सामने हम अपने के सन या मून इनको देख के हम समझ रहे हैं कि अभी कितना टाइम गया। नहीं तो टाइम वैसे कुछ समझने की बात ही नहीं है। हम अगर अंधेरी रूम में, डार्कनेस में हम रह रहे हैं, किसी अंधार कोठड़ी बोलते हैं ना, उसमें हम रहते हैं, बाहर का कुछ मालूम नहीं है, तो टाइम समझ में ही नहीं आएगा कितना टाइम गया। टाइम समझ में कब आता है, किसी रेफरेंस से आता है। मैं अगर घर में बैठा हो तो टाइम समझ में नहीं आएगा, कोई रेफरेंस है तो ही समझ में आएगा, नहीं तो मैं कितने दिन गए, आज की तारीख क्या है, कुछ मालूम नहीं है। कुछ समझने के लिए कुछ रेफरेंस लेते हैं तब समझते हैं, समझो मुझे घड़ी भी नहीं समझ आ रही है कुछ नहीं। अगर मेरा बेटा सुबह काम पे निकलता है, शाम को आता है और मैं घर में बैठा हूँ, दरवाजे खिड़कियां बंद है, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि बेटा जाता है वो एक टाइम है और बेटा आता है वो एक है, इसके बीच का जो गैप है वो मेरा टाइम है, नहीं तो ऐसे मुझे टाइम समझ में ही नहीं आएगा अगर मेरे पास कुछ नहीं है रेफरेंस। तो ये जो टाइम है ये वैसे देखा जाए, हम बोलते आए कि टाइम ये एक एग्जिस्टेंस स्पिरिट का एक रूप है, ईश्वरी हम लोग उसके बोलते अवतार है जो भी है। तो ये न्यूटो टाइम की जो हम लोग इसकी जो अभी कैसे पहुंचना है, न्यूट्रो टाइम को कैसे हम ट्रीटमेंट में लाएंगे या उसका यूज कैसे करें, तो इसको अब हम देखते हैं। न्यूट्रो टाइम में हम डेट ऑफ बर्थ नहीं लेने वाले, ये न्यूट्रो टाइम है, फिक्स है, इसे हमें फायदा क्या होगा ये भी हम देखते हैं कि न्यूट्रो टाइम ये सीखने के बाद हम क्या कर सकते हैं ये भी देखेंगे। लेकिन इतना है कि ये टाइम जो है ये सीजन के ऊपर है, चांद सूरज जो है उसकी यानी डे एंड नाइट के ऊपर हम लोग उसका टाइम किया गया है, फिक्स किया गया। हाँ ये फिक्स टाइम है सालों साल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कल जो देखे एक Thank you.
हमने कल देखा कि ये फिंगर्स के ऊपर, फिंगर्स का हिट्रो होमो न्यूट्रो न्यूट्रो सब हमने कैसे आते हैं, इसके पीछे लॉजिक भी देखा है, थोड़ा वो हमारा रिवीजन भी हो गया कि हर बात के पीछे लॉजिक है, जिसको लॉजिक, क्योंकि कुछ लोगों को लॉजिक चाहिए होता है, कि कुछ लोगों को मैकेनिकल फीस बताओ हमें, बाकी कुछ नहीं, झंझट नहीं चाहिए, ये भी होता है, हर एक की अलग अलग ही होती है। लेकिन लॉजिक के साथ आप करते हो तो आपको कोई चीज को बाहर हट या कोई ऐसे नहीं करना पड़ता है, कम यानी उसको ग्रास्पिंग में कम समय लगता है, एक बार होता है लॉजिक। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये महीने और ये सब फिक्स है, इसमें सीजन है। तो हीट्रो के ऊपर, हीट्रो के ऊपर, हीट्रो फिंगर, कौन सा सीजन हम लेने वाले हैं, चार सीजन इसमें फिक्स है, हाँ न्यूट्रो में हम, ये फिक्स टाइम है, तो सीजन फिक्स होते हैं। तो इसके लिए इधर हीट्रो फिंगर पे हम लोग सीजन ले रहे हैं, हीट्रो होमो न्यूट्रो न्यूट्रो, तो हीट्रो फिंगर पे कौन सा सीजन ले, कल हमने देखा था स्प्रिंग है, स्प्रिंग सीजन हीट्रो फिंगर पे। स्प्रिंग में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ये पूरी प्लेनेट का हम बोल रहे हैं, पूरी प्लेनेट में। हाँ वैसे महीने में कभी किसी कौन से देश में हीट, अभी जितनी हमारे देश में हीट बढ़ रही है उसके दूसरे देश में उतनी ही बढ़ेगी, ऐसे नहीं है। हाँ लेकिन पूरी प्लेनेट के हिसाब से हम बोलते हैं कि स्प्रिंग में टेम्परेचर बढ़ते जाता है, बाद में और ज्यादा टेम्परेचर कभी होता है समर में, समर में और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, पिक पॉइंट पे आता है। तो स्प्रिंग और समर, बाद में समर के बाद टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, सूरज अपने प्लैनेट से दूर होते जाता है पृथ्वी से, तो टेम्परेचर का डाउन शुरू हो जाता है। तो डाउन शुरू होता है तो सीजन कौन सा आता है उस वक्त, ऑटम, ऑटम आता है, और लास्ट एकदम सूरज दूर गया और विंटर आ गया। तो ये चार फिंगर पे हम चार सीजन ले रहे। अभी इसमें महीने भी इस तरह से लॉजिकल, महीने का भी इसमें दिया है पार्टी कैसे है क्लासिफिकेशन लॉजिकल। तो यह विंटर में ज्यादा कोल्डनेस जब रहता है, हाँ वो दिसंबर में, विंटर में हम दिसंबर में ज्यादा कोल्डनेस देखते हैं, ज्यादा कोल्डनेस ये हम दिसंबर में देखते हैं, दिसंबर में ज्यादा कोल्डनेस है। बाद में जनवरी इस जॉइंट पे दिसंबर लिया, इस जॉइंट पे जनवरी ले रहे हैं, जनवरी और ये फेब्रुआरी। तो दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी, दिसंबर में ज्यादा कोल्डनेस है, बाद में जनवरी में थोड़ा कोल्डनेस कम हो जाता है, फेब्रुआरी में और कम, होमो की तरफ, होमो यानी रिड्यूसिंग। तो महीने के पीछे ये लॉजिक है, हा? कि ऊपर हीट्रो एकदम पिक पॉइंट पे था और जनवरी फेब्रुआरी ये नीचे नीचे रिड्यूसिंग होते आ गया विंटर। अभी यहाँ स्प्रिंग में, स्प्रिंग में हम जा रहे हैं, तो यहाँ फेब्रुआरी के बाद, सॉरी दिसंबर जनवरी फेब्रुआरी के बाद मार्च, मार्च अप्रैल मई जून, ये टेम्परेचर बढ़ते गया, टेम्परेचर हीट बढ़ते गई, जून ये पिक समर, समर पे गया जून, और बाद में जुलाई ये कम होते गया, जून में एकदम पिक पॉइंट पे, जून में हीट्रो जॉइंट पे सब पिक पॉइंट पे रहेगा, हीट्रो जॉइंट पे जो भी हीट्रो जॉइंट है वहां तो पीक में रहेगा, जो भी बात है हीट्रो जॉइंट में पीक में, पीक में। तो जून के महीने में प्लैनेट के, अपने प्लैनेट के लिए एकदम पीक पे गया टेम्परेचर, बाद में जुलाई से अभी नीचे आना शुरू हो गया टुवर्ड्स होमो यानी रिड्यूसिंग। तो जून के बाद हम लोग जुलाई, जून जुलाई अगस्त, ये टेम्परेचर अभी
डाउन होते गया, टेम्परेचर डाउन होते गया। अगस्त के बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी डाउन होने की, टेम्परेचर कम होने की प्रोसेस अभी नवंबर में पीक पॉइंट पे गई है, नवंबर, और उसके बाद दिसंबर में और पीक पॉइंट पे टेम्परेचर और डाउन और डाउन। तो विंटर में दिसंबर में एकदम टेम्परेचर कोल्डनेस की तरफ गया। तो महीने के पीछे लॉजिक है। अभी वैसे समझाने के लिए मैं डायरेक्ट अभी आपको लिख के देता था, इधर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में महीने लिख के देता था, लेकिन आपके दिमाग में मुझे ये लॉजिक बताना था कि ये सब बातों के पीछे पूरा लॉजिक है। तो इस तरह से है, ये महीनों की गिनती हो गई। अभी तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इस तरह से ये है। इधर एक जो गिनती दिखाई है, इसमें एक बात दिख रही है अपने को, इसमें फंक्शनल ऑर्डर यूज हो रही है, फंक्शनल ऑर्डर यूज हो रही है। न्यूटो, न्यूटो के बाद, न्यूटो के बाद, ये न्यूटो के बाद हीट्रो में गए, हीट्रो के बाद न्यूट्रो में आ गए, ये न्यूट्रो में आ गए, न्यूट्रो के बाद होमो में आ गए, होमो के बाद न्यूटो में आ गए, फिर न्यूटो से ये शुरू हो गया। यानी क्या दिख रहा है अपने को इधर, फंक्शनल ऑर्डर जो दिख रही है, क्या दिख रही है फंक्शनल ऑर्डर, न्यूटो, न्यूटो के बाद हीट्रो, हीट्रो के बाद न्यूट्रो, और न्यूट्रो के बाद होमो, और लास्ट में फिर से लास्ट न्यूटो आ गया। ये एक फंक्शनल ऑर्डर अपने को दिख रही है, फंक्शनल ऑर्डर ये दिख रहे है। इसमें अभी महीने हमने बरस कोई ईयर का कुछ भी हमने बोल नहीं रहे हैं। और तो अभी टाइम के लिए हम क्या करें, तो ये महीने फिक्स है, और इस महीने में अभी दिन कैसे लेते हैं, कौन सा भी दिन जो है, जो भी महीना आप लेने वाले हैं, उस महीने का वो जॉइंट एक तारीख रहेगी, एक तारीख रहेगी, जो भी महीना लेंगे उसका वो जॉइंट है, वहां से एक तारीख उस महीने की शुरू हो जाएगी। और एनर्जी का फ्लो हमने देखा वेव फॉर्म में जाएगा, वेव फॉर्म ने हमने देखा है कि वेव फॉर्म ने ये यहाँ से ऐसे 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 जो है दिन भी कभी काउंट करेंगे तो इस तरह से काउंट करेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग आज की तारीख, आज की तारीख को ही लेते हैं, तो आज की तारीख के लिए अभी नवंबर महीना, आज की तारीख नवंबर महीना, तो नवंबर की एक तारीख, नवंबर की एक तारीख अपने को कहाँ मिल रही है वो देखते हैं। नवंबर है, नवंबर की एक तारीख यहाँ मिल, यहां से हम शुरू करेंगे और आज के दिन पे आ सकते हैं, नवंबर एक तारीख पकड़ के आज के दिन पे। तो अभी आपको काउंट करके मुझे बताना है हम कौन से जॉइंट पे, देखो जो इसका जो सर्कुलेशन रहेगा नवंबर की एक तारीख है, या एक तारीख नवंबर की एक तारीख है, एक अलग कलर से लिखते हैं, नवंबर की एक, तो ये एक तारीख है नवंबर। इसके बाद में इधर से हम जाएंगे कैसे है, तो अपना फ्लो कैसे है, होमो के बाद कौन आता है, या होमो के बाद, होमो के बाद कौन आ रहा है, न्यूटो, होमो के बाद न्यूटो आ रहा है। तो ये एक तारीख, एक तारीख के बाद जो दो तारीख है, ये दो तारीख इस ज्वाइन पे दो तारीख आ जाए, दो तारीख, तीन तारीख, चार तारीख। अभी न्यूटो के बाद, न्यूटो के बाद क्या आता है, न्यूटो के बाद, न्यूटो के बाद हीट्रो आता है। तो अभी हीट्रो फिंगर पे जाए, चार के बाद वहां इधर पांच तारीख, छह तारीख, सात तारीख ज्वाइंट पे, हीट्रो के बाद, हीट्रो के बाद कौन आता है, न्यूट्रो आता है, सात के बाद आठ तारीख, आठ तारीख, नौ तारीख,
दस तारीख। इसके बाद अभी न्यूट्रो के बाद होमो, ये वेव फॉर्म में हम जा रहे हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं। तो ये दस तारीख, दस तारीख के बाद ग्यारह, बारह, इधर तेरह, तेरह, फिर यहां से चौदह और ये पंद्रह, अपने को पंद्रह इस ज्वाइंट पे पंद्रह मिल रहा है, पंद्रह इसमें मिल रहा है। ये पंद्रह यहां, ये बात क्लियर हो रही है कि इतना ही अपने को, इस तरह से अपने को आज का दिन अपने को यहां मिल गया पंद्रह तारीख, इस ज्वाइंट पे पंद्रह तारीख। अब ये पंद्रह तारीख मिल गई है, इस तारीख को, इस दिन को हमें कोई भी ट्रीटमेंट करनी है आज के लिए, तो इस ज्वाइंट के ऊपर हम ट्रीटमेंट कर सकते। इस ज्वाइंट को अभी समझो हम बीमार नहीं है, लेकिन हमें आज भी इस ज्वाइंट का अगर यूज करना है तो क्या करेंगे, इस ज्वाइंट पे, ये ज्वाइंट आज का सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के कॉमन है ये ज्वाइंट आज, या एनर्जी का हमें जल्दी एनर्जी हम रिसीव कर सकते हैं, ज्वाइंट जो कॉस्मिक जो एग्जिस्टेंस क्रिएट किया है उसको हम, अगर हम चाहते हैं, जैसे आप भगवान से हर रोज प्रार्थना वगैरह करते हैं, माथे पे एक तिलक लगाते हैं, कुछ करते हैं, तो समझना इस ज्वाइंट को भी मैं, वो भी आप क्या करते हैं, खुद को ट्यून करते हैं, जीरो वर्ल्ड से बोलो, भगवान से बोलो, उस शक्ति से बोलो, आप ट्यून करने की कोशिश करते हैं, एक तिला लगाते हैं, तिलक करते हैं। तो इस ज्वाइंट पे अगर आप इस तरह से इस ज्वाइंट को यूज करते हो, यानी हार्मोनाइजिंग होना एक, यहां अगर आप अभी यहां एक पॉइंट लगाते हो ब्लैक या ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का ये पॉइंट लगाना है अपने को, और बाद में एग्जिस्टेंस स्पिरिट की तरफ जाना है, परमात्मा उसकी ताकत वहां भी इन्फॉर्म करनी है, तो वहां क्या करेंगे, वहां जो जो अंगूठे के ऊपर, जैसे आपको मालूम है हम कंफर्मेशन अफर्मेशन जो करते हैं, कंट्रोलिंग अंगूठे के ऊपर जाके वहां कंट्रोलिंग, तो यहाँ अपर ज्वाइंट और लोअर ज्वाइंट है, इसमें से एक ज्वाइंट के ऊपर आपको वहां टच करना है, वहां भी कलर अगर अप्लाई करते हो तो वहां एक कलर लगा, तो अपर ज्वाइंट को कब लगाएंगे, तो ये जो दो फिंगर है, हिट्रो न्यूट्रो वाली जो दो फिंगर है, उसके लिए ये अपर ज्वाइंट पे कंट्रोलर यानी इन्फर्म वहां करेगा, परमात्मा को जो अपने को ताकत चाहिए, तो वहां से इंफॉर्मेशन इस दो फिंगर के ऊपर जब भी ट्रीटमेंट आएगी, ज्वाइंट आएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट इधर आप अफर्मेशन इसको देंगे अपर ज्वाइंट। और ये जो है होमोन्यूटो, होमोन्यूटो उस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए यहाँ आप अफर्मेशन वाली एक डॉट बोले, नीडल बोले, जो करना है उधर। अभी इसका क्या करें हम लोग, आज अभी आप बैठे हो तो इस जॉइंट के ऊपर आपने समझो ब्लैक कलर का डॉट किया है, कहा 15 तारीख को डॉट कलर डॉट दिया ब्लैक कलर का या ग्रीन कलर का, तो वही इंफॉर्मेशन आज आप किधर दे रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोअर जॉइंट को यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी एग्जिस्टेंस स्पिरिट को भी आपने उधर एक, जैसे आपने सुबह प्रार्थना की भगवान से जो भी किया, उधर से एनर्जी मिल रही है, तो ये एनर्जी का डायरेक्ट आपको एनर्जी का एक कनेक्शन मिल गया, इधर से ये एनर्जी का कनेक्शन मिल गया, इसके लिए यहाँ हम इन्फॉर्म करते हैं, इसको इन्फॉर्म किया ये एनर्जी का कनेक्शन। तो इस तरह से हम इस टाइम एक्यूपंक्चर का एक सिंपल यूज हो गया। आप अगर क्लिनिक में हो तो क्लिनिक में हर रोज आपको मालूम है, ये आज का ये 15 तारीख, कल ये 16 तारीख
के ज्वाइंट के ऊपर या सोर्स अपना बनाएगा, एनर्जी सोर्स यहाँ मिल रहा है अपने, एनर्जी रिसीवर पॉइंट ये है। तो कल हम क्या करेंगे, इधर डॉट करके रखें अपने घर में भी, अगर आप मानते हो सब लोग घर के, तो क्या करेंगे, जैसे भगवान के पास वो प्रार्थना वगैरह सब कुछ हो गई, आपकी प्रेयर हो गई, तो आप क्या करेंगे उस समय, जैसे तिला लगाते तिलक करते, तो यहाँ एक तिलक लगाया, यहाँ एक तिलक लगाया, तो ये हो गया 16 तारीख को आपने उस दिन को हार्मोनाइज किया, वो दिन आपके लिए अच्छा जाए, ये किया, उस दिन की एनर्जी आपको अच्छी मिल जाए, अच्छी तरह से आपको उसका फायदा हो जाए। तो ये हम हार्मोनाइज, ये अपने पेशेंट के लिए भी करें, जब भी पेशेंट हमारे सामने, पेशेंट जब आते हैं तो यहाँ एक डॉट किया, यहाँ डॉट किया हमने, अपने लिए भी करेंगे, पेशेंट के लिए भी करेंगे। पेशेंट जब सामने आया, उसको ट्रीटमेंट देना है, तो उसकी एनर्जी को हम हार्मोनाइज करने के लिए यहाँ से हम उस दिन के, समझो कल आपके पास जो पेशेंट आया, तो इधर अपने इस तरह से उसकी एनर्जी को हम ये कर, अभी यहाँ कलर कौन सा यूज करेंगे, ग्रीन या ब्लैक, ग्रीन या ब्लैक कलर से हम ये जो पॉइंट रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट होंगे वो ग्रीन, ग्रीन कलर या ब्लैक कलर से हम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन कलर भी बोलेंगे वहां से भी हार्मोनाइजिंग कलर, वहां से भी परमात्मा को, एग्जिस्टेंस स्पिरिट को, वहां से हम एनर्जी मांगेंगे, तो ग्रीन कलर से भी चैनल वो खुल सकता है, ब्लैक कलर से, ब्लैक भी न्यूटो का कलर है, तो वहां से भी हम खोल सकते हैं। तो ज्यादा मैं अभी यूज कर रहा हूं, तो मैं ग्रीन कलर ज्यादा यूज कर रहा हूं कि ग्रीन कलर से चैनल ओपन कर, खुद के लिए, पेशेंट के लिए। तो अपने पास असिस्टेंट भी जो होंगे आपके क्लिनिक में, तो आपको बोलना है कि जब पेशेंट आएगी तो इनको ये डॉट पहले लगा देना, क्योंकि उसकी एनर्जी उस तरह से हार्मोनाइज रहेगी, तो हमारी ट्रीटमेंट और ज्यादा उसको इफेक्टिव रहेगी। तो ये डॉट उनको करते करने को बोलना है। अब ये हो गया, ये 15-16 तारीख, 17 तारीख को मैं कहाँ आएगा, मार्च वाले ज्वाइंट पे आएगा 17 तारीख को, बराबर है, 17 तारीख मेरी इधर आ जाएगी, 17 तारीख इस ज्वाइंट पे। तो 17 तारीख को जब मैं इधर डॉट करूंगा, 17 तारीख को इधर जब डॉट करूंगा, तब उसके लिए अभी मेरे को अपर ज्वाइंट पे या अंगूठे पे, अपर ज्वाइंट पे एक डॉट लगा, 17 तारीख को, बराबर है, ये 17 तारीख को यहां से गया। तो इधर तक बात क्लियर हो रही है कि अपने को टाइम पे ये ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। अभी बात ये है कि इसका यूज और कैसे करेंगे, ये कि ये तो मालूम हो गया अपने पास, ये अभी टूल आ गया, और थोड़ा हम देखते हैं कि समझो टाइम पे जाना है अभी, टाइम ये तो महीने की गिनती हो, टाइम की गिनती कैसे करते हैं, ये महीने की हो गई, टाइम की कैसे करते हैं, तो जिस दिन का जॉइंट है उसी दिन को आप, उसी दिन को समझो ये 15 तारीख या आपकी जो 15 तारीख थी, तो 15 तारीख को ही, या हम पकड़ते हैं 15 के बाद ये 16, 16 ये 16 था आपके लिए, ये 17 था, तो चलो 17 तारीख को हम देखते हैं। 17 तारीख को, यहां मैं 17 तारीख वाला टाइम में बोलता हूं, तो जिस दिन का टाइम लेना है उस जॉइंट पे आप 00 समझना है, रात के 00 और दिन के 12 बजे, इसी जॉइंट पे आप क्या समझेंगे, 00 है और वहां 12 भी है दोपहर के, इसी जॉइंट पे 00 और 12 भी है। जो भी जॉइंट पे जाएंगे वहां 00 और 12 दोपहर के, रात के मिडनाइट वाले, रात की शुरुआत और दोपहर के 12 बजे,
यानी 0 0 ये 12 यानी आप 12 बाद में अगर 24 आवर्स वाला बोलते हैं तो 12 के बाद ये आगे वाला 13 14 ऐसे हम गिनते जाएंगे 13 14 यानी 1 2 3 ये 13 14 ऐसे भी काउंट करेंगे या 12 के बाद आपको मालूम है दोपहर के टाइम का 1 2 3 4 ऐसे टाइम की गिनती करें आवर्स की गिनती इस तरह से हम कर रहे हैं। तो ये भी क्लियर है कि हम वहां से समझो मेरे को ये 17 तारीख दोपहर के 4 बजे जा कुछ काम है 4 बजे मेरे को ट्रीटमेंट देनी है 4 बजे हार्मोनाइज करना है ट्रीटमेंट के समय एनर्जी को हार्मोनाइज रखना है 4 बजे पेशेंट को या मुझसे तो मैं क्या करूंगा 17 तारीख को यहाँ 12 बज के 12 के बाद मैं ऊपर आएगा 1 2 3 और ये 4 इस जॉइंट पे मुझे 4 बजे का टाइम मिला पेशेंट मेरे सामने बैठा है 4 बजे उसको मेरे को ट्रीटमेंट तो मैंने क्या किया 4 बजे इस जॉइंट को मैंने ओपन किया यहाँ क्या करेगा मैं एक डॉट यहाँ लगाएगा और एक डॉट यहाँ लगाएगा तो उसका एनर्जी चैनल खुल गया है उस दिन के लिए अपनी जो ट्रीटमेंट होगी वो उसको असरदार इफेक्टिव रहेगी तो इस तरह से हम घंटे का हिसाब करके आवर्स को हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं आवर्स को और जो जाने का जो तरीका है वेव फॉर्म में जाना है ये ऐसे ही जाए वेव फॉर्म में जा रहे इस तरह से तो ये हो गया मैं अगर 4 बजे 17 तारीख के 4 बजे यहाँ अगर मेरे को यही आज का दिन जो चालू है 15 तारीख चालू है और 15 तारीख अभी मेरे सामने 10 बजे पेशेंट आने वाला है 10 बजे उसको ट्रीटमेंट देंगे तो ये 15 तारीख जो है 15 तारीख को यहाँ मैंने 0 0 भी माना है और वहां दोपहर के 12 बजे को भी मैंने उसी ज्वाइंट पे लिया तो 12 बजे के बाद यहाँ दोपहर के बाद में 1 बज गया यानी 13 1 यानी 13 बाद में यहां से यहाँ आ गया हाँ 14 यानी 2 बज गए 3 बज गए 4 बाद में यहां से यहाँ 5 6 ये 7 यहाँ से यहाँ 8 ये 9 बजे और यहाँ आ गया मैं 10 बजे ये 10 बजे यहाँ मैं उसको ट्रीटमेंट देने वाला इस जॉइंट पे मैं उसको ट्रीटमेंट का आगे हम सोचते हैं लेकिन इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा खोलूंगा ओपनिंग पॉइंट अभी इस पॉइंट पे अगर मैंने उस पॉइंट पे खोला है तो इसका इंफॉर्मेशन ये लोअर जॉइंट पे यहाँ मिलेगा अपने को इसका इंफॉर्मेशन यहाँ देना पड़ेगा अगर इस पॉइंट को मैं देता तो इतना अपने को इस तरह से ध्यान में रखना है मैं कैसे जा रहा हूं फिर से एक बार हम लोग ये आर्स का ये कैलकुलेशन हाँ बोलिए एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए अगर हम अभी होमो फिंगर पे हैं तो हमको ब्लू कलर लेना है और ग्रीन लेना है ग्रीन या ब्लैक ग्रीन या ब्लैक ब्लू भी ले सकते हैं न्यूटो का कलर है ओपनिंग करने के लिए होमो का कलर जब हम होमो फिंगर पे हैं हाँ, इसीलिए अगर हम ब्लू ले होमो फिंगर पे इसलिए नहीं है अभी नहीं है क्या अभी बोल रहे हाँ अपने को पॉइंट ओपन करने के लिए ग्रीन कलर या ब्लैक कलर से ओपन करें ओके ओके और उसकी इंफॉर्मेशन देंगे एग्जिस्टेंस स्पिरिट को अंगूठे तो अंगूठे पे जब इंफॉर्मेशन देते हो तो ये दो फिंगर वाली जो बात है दो फिंगर पे जो जॉइंट पे आप कर रहे हैं उसको ओपन कर रहे हैं ये दो फिंगर के अंदर के जॉइंट तो उसकी खबर हम यहाँ देंगे होमोन्यूटो की यही है समझ ये दो फिंगर होमोन्यूटो है और ये दो फिंगर जो है वो हिट्रोन्यूट्रो हिट्रोन्यूट्रो के लिए खबर यहाँ दे अफर्मेशन कंफर्मेशन यहाँ आ गया समझ में ये हेलो सर सुरेश जी हाँ बोलिए हेलो हाँ ज्योति बात कर रही हूँ 15th को हमने जैसे स्टार्ट किया तो वहाँ पे हम लोग मतलब 12 o'clock काउंट किए हाँ
बराबर हाँ, फिर फिर नीचे आ गए 16th पे, तो दैट विल बिकम 1 o'clock. 1 o'clock बराबर है, ये नीचे आ गए. हाँ 1 o'clock. हाँ, बाद में इधर आ गए. फिर हम लोग वो अदर हेट्रो हेट्रो फिंगर पे 2 o'clock. टू इधर थ्री, फिर थ्री थ्री फोर ऊपर जाएंगे तो फोर. हाँ, फिर न्यूट्रो फिंगर पे 5 6 नीचे आए तो 7 8 10 मतलब अगस्त पे आए तो 7 8 9 फिर ऊपर गए तो 9 और 10 यहाँ आ गए 10. ये 10 हाँ बराबर ओके फाइन फाइन. क्लियर. हाँ ये क्लियर हुआ. और हाँ, इस दिन पे हम अभी जो भी काम कर रहे हैं मतलब ओपन हाँ, कर रहे हैं एनर्जी तो हाँ, हम लोग ने होमो फिंगर को ग्रीन से ओपन किया या फिर ब्लैक से ओपन हाँ, किया राइट हाँ, और उसी हाँ, का जो एग्जिस्टेंस स्पिरिट का जो लोअर जॉइंट है उसको हम इन्फॉर्मेशन हाँ, देंगे बराबर बराबर बराबर. ओके ये क्लियर हो गया. अभी आप सभी लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि सुबह 4 बजे 15 तारीख को सुबह 4 बजे वाला ट्रीटमेंट, 4 बजे कुछ घटना हुई थी हम बाद में बोलेंगे, लेकिन सुबह का 4 बजे आप कैसे काउंट करेंगे. हाँ अर्ली मॉर्निंग 4 बजे. हाँ 15 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 4 बजे कौन सा ज्वाइंट आ रहा, ये आपको अभी कैलकुलेट करना है. अर्ली मॉर्निंग 4 हेट्रो फिंगर अपर जॉइंट, हेट्रो फिंगर हेट्रो जॉइंट. देखो फिर से अभी ये तो यहाँ अपने को ये मिल गया है, यहाँ 0-0 आप बरा रात 15 तारीख की शुरुआत हो गई 0-0 से. यहाँ हो गए 0 के बाद यहाँ हो गया सुबह का अर्ली मॉर्निंग. हाँ रात का 1 बज गया इधर 1 बजा था. हाँ बाद में इधर 2 बज गए. हाँ इधर 3 बज गए और इधर 4 बज गए. समझ में आया, इधर 4 बज. हाँ तो सुबह की कुछ प्रॉब्लम है तो ये 4 बजे हम लोग को यहाँ पहुंचे हम 4 बजे. तो इतना अभी जाना कैसे यही देख रहे हैं, ट्रीटमेंट का हम आगे देखने वाले, लेकिन कैसे किसी जॉइंट पे जा रहे हैं इतना ही देख रहे हैं, ट्रीटमेंट बाद में देखते हैं क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है. ये अभी इतना ही देख रहे हैं कि कैसे किसी जॉइंट पे जा रहे हैं. तो ये हो गया आर्स की कैलकुलेट. तो देखो अभी हमें जाना है मिनट के ऊपर, मिनट के ऊपर कैसे जाए. हाँ इसके अभी थोड़ा ये देखते हैं मिनट के ऊपर कैसे जाए. और इसमें जब मैं ये कर रहा हूं तो आपको अलर्ट रहना है, कभी कभी हो सकता है मैं गलत बोल जाऊं या गलत कर जाऊं. हाँ क्योंकि इसमें क्या होता है मेरा ये कॉन्शियसनेस कभी कभी ऐसे भी हो सकता है. हाँ आपको कुछ बताना है कुछ करना है तो उस वक्त इसमें जंबलिंग मेरा भी हो सकता है. हाँ तो आपको भी अलर्ट रहना है. हाँ ओके कभी कभी हो सकता है मैं गलत भी उस वक्त किसी जॉइंट में गलत दिखा रहा हो सकता है. हाँ तो आपको अलर्ट रहना है. अभी देखो 5 मिनट की जो बात है तो 5-5 मिनट एक जॉइंट पे, एक जॉइंट पे 5-5 मिनट तो 60 मिनट का एक घंटा हो जाता है बराबर. 5-5 मिनट एक जॉइंट पे 5-5 मिनट. 12 जॉइंट है तो 12 जॉइंट मिलके 1 आवर बन जाता है 5-5 मिनट. अब ये 15 तारीख को रात को जब शुरू हो गया हम यहां से 0-0 काउंट किया है. 0-0 काउंट करने के बाद यानी 15 तारीख को 14 तारीख के रात के 11 बजे के बाद या बाद में आ गए 12 बज गए 15 तारीख के रात के 12 इधर बज गए थे 0-0 यानी रात के 12 बज गए थे 15 तारीख को. और उसके बाद में 5 मिनट यहाँ 5 मिनट मिल गए तो 12-5 या रात के 12-5 फिर यहाँ 5 मिनट यानी 12-10 12-10 हो गए. 12-10 के बाद ये 12-15 समझ में आ रहे 12-15 इधर से आगे गए ये 12-20 इधर से आगे गए हम 12-25
बारह पच्चीस ये और आगे गए, बारह तीस ये और आगे आगे, बारह पैतीस, बारह पैतीस फिर यहां से, बारह चालीस फिर यहां से आगे, बारह फोर्टी फाइव फिर बारह ट्वेल्व फिफ्टी यहां से नीचे, ट्वेल्व फिफ्टी से लेके ट्वेल्व फिफ्टी फाइव और यहां आगे ट्वेल्व फिफ्टी का फाइव के बाद क्या हो गए सिक्सटी, यानी एक घंटा पूरा हो गया यहाँ, तो यहाँ फिर बारह बज गए। तो अपने को पांच पांच मिनट हम देख रहे हैं। तो किसी को अभी आज पंद्रह तारीख को सवा बारह को कुछ हमें ट्रीटमेंट देनी, तो सवा बारह का ओपनिंग टाइम किधर मिल गया अपने को, यहां से ये बारह पांच थे, बारह पांच यहां से बारह दस और यहां बारह बारह पंद्रह मिल गया, बारह पंद्रह। तो इस तरह से इसी जॉइंट पे क्या हो रहा है बारह पांच, इधर बारह दस और आगे जाके यहाँ बारह पंद्रह, बारह पंद्रह मिल। तो पांच पांच मिनट का ये काउंट, ये बात समझ में आ रही है, पांच पांच मिनट का काउंटिंग। अगर मिनट का काउंटिंग करते, हार्स का काउंटिंग आपने देखा, हार्स का क्या किया रात को 12 बजे के बाद, ये सुबह वाला हमने इधर क्या किया था, हार्स यानी वन आवर किया इस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे हमने इस जॉइंट पे वन आवर लिया था, एक बज गया था वन आवर इसी ज्वाइंट पे वन आवर। लेकिन मिनटों का जब हम बोलते हैं तो इधर क्या मिल गए पांच मिनट मिल गए। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि समझो मुझे 14 तारीख 14 डेट 14 है, डेट 14 ली हम लोग ने 14 नवंबर और टाइम है अपना 3:35 PM ये जॉइंट आपको निकालना है। तो आपको 3:35 PM 14 नवंबर 3:35 आप एक दो मिनट आप ट्राई कर सकते हो, बाद में फिर से हम बोलते हैं और कोई जॉइंट बताएंगे तो उसको हम ये करेंगे, चेक भी करेंगे कि कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। ओके तो अभी हम करते हैं, शुरुआत करिए 14 नवंबर। सर बोलूं आंसर? हाँ बोलिए। 14 पहला 14 नवंबर किधर है, कौन सा जॉइंट है? हिट्रो जॉइंट, न्यूटो फिंगर हिट्रो जॉइंट, ये 14 नवंबर है, बराबर है। हाँ बोलिए। फिर 3 बजे आएगा हाँ होमो जॉइंट हिट्रो फिंगर, होमो जॉइंट हिट्रो फिंगर का होमो जॉइंट, होमो जॉइंट हिट्रो फिंगर का होमो जॉइंट 3 बजे या आपको 3 बजे हाँ। और फिर 35 मिनट विल बी सर ये अपना होमो फिंगर का न्यूट्रो, होमो फिंगर सेकेंड जॉइंट न्यूट्रो जॉइंट। हाँ तो यहाँ तक अभी इनका बाकी के लोग भी वेरीफाई करना है, अपने को चेक करना है। और भारत जी आपका जो बोल रहे हैं ना उसका, भारत जी आप पूछ रहे हैं कि अगर किसी की फिंगर कट है क्या है, अरे हम लोग को एक हाथ नहीं दूसरा हाथ भी है,
हाँ वहां से स्टार्ट करेगा, वो भी नहीं तो पैर भी है, पैर को भी अंगुली है, उधर स्टार्ट करेगा। हाँ ओके, हाँ भारत जी ठीक है, ठीक है, हाँ बराबर है ना आपका क्वेश्चन, राइट है। हाँ ओके, हाँ क्योंकि ये प्रॉब्लम, और लेफ्ट हैंड लेना है राइट हैंड लेना है तो इसमें भी थोड़ा ये करते हैं, अगर जेंट्स है तो जेंट्स के लिए लेफ्ट हैंड प्रीफर करते हैं। ऐसे कुछ नहीं कि आपको लेफ्ट हैंड ही लेना है राइट हैंड ही लेना है, एनर्जी तो ऊपर वाले ने सब जगह सब वैसे ही रखा है, किया है, लेकिन हम लॉजिकली और भी एक से करते हैं कि झट से कुछ हो जाए। तो जेंट्स के लिए लेफ्ट हैंड और लेडीज के लिए राइट हैंड ले, और ये बात अगर ये है तो लेफ्ट राइट कौन सा भी चलेगा, वैसे भी पैर के ऊपर भी जा सकेगा, जिसके हाथ ही नहीं है तो पैर को भी दे सकते, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। हम खुद के जॉइंट्स के, खुद के हाथ के ऊपर भी ट्रीटमेंट कर सकते, ये भी है बहुत सारे, ये है सब ना, क्योंकि सुजोग में इस तरह से सब ऑप्शन सब क्लियर हो जाएंगे, सब कोई भी ऐसे सब थिंग लॉ, एवरीथिंग इज वन। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, और हाँ, ये देखो हम, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ सर ये जो 14 नवंबर हमने न्यूटो फिंगर हेट्रो जॉइंट पे लिया है, हाँ, तो ये टाइम हमारा 00 काउंट होगा राइट? हाँ 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 हाँ, तो इस, हाँ तो फिर हम अगर रिवर्स मतलब फॉरवर्ड अगर हम चल रहे हैं तो 3:05 मतलब कैसे काउंट करेंगे इसको, 00 से 1, 2 और 3 ऐसे आया ना? बराबर है, हम लोग अभी बोलते हैं, अभी तक हमने नहीं आए, ये मैंने इसके लिए ऐसे कि चलो कौन क्या बोलते हैं देखेंगे और बाद में हम लोग करते जाएंगे। इसमें भारत जी का प्रश्न था कि किसी के फिंगर्स नहीं है तो क्या करेंगे, वो फिंगर नहीं है तो कैसे, तो हम दूसरे हाथ पे ले रहे हैं, बराबर है। और इतना ही नहीं, सुजोक में ये भी है कि किसी की ट्रीटमेंट जैसे आप रेकी प्राणी किलिंग वाले करते हैं, वैसे हम हमारी तरफ से भी कर सकते हैं, अपने जॉइंट पे लेके भी कर सकते हैं, अपने हाथ पे लेके भी कर सकते हैं। हाँ, और इसका हमें यूट्यूब पे एक वीडियो हमने दे दिया है, वो छोटी बच्ची की ट्रीटमेंट माँ के ऊपर हमने किए थे और सक्सेस मिली, डिसीज इतनी बड़ी ये थी ये उसको कार्डियोमेगाली थी, और कार्डियोमेगाली की ट्रीटमेंट उसके माँ के ऊपर करने के बाद वो बच्ची आज वो बच्ची बड़ी है, 9th स्टैंडर्ड में है, लेकिन सक्सेस हो गई। जब कोई डॉक्टर के पास कोई चारा नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट एक ही उनके पास था, और ये लड़की अभी बहुत अच्छी तरह से है, कुछ उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो सुजोक में देखो सब तरह से आप कर सकते, लेकिन कितने लोगों के बाबागिरी हो जाएगी ना, आप किसी को ट्रीटमेंट अपने हाथ पे लेके कर रहे हैं तो अपने को ये बाबागिरी भी नहीं कर रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है ये सब, और आगे जाके हम बोलते हैं ना कर्म के बंधन होते हैं ये सब, तो ये भी अपने को नहीं करना है ऐसे, लेकिन जब समय आता है तो आप ऐसे भी करेंगे कि किसी को अगर आपको लगता है ना मैं खुद कर सकता, हाँ ये आप देखेंगे सिद्धि माने चे आई वडी अपना समोर संपूर्ण कुटुंब बसलेला है, सिद्धि माने तुम्ही भेटलात आणि एक आम्हाला आत्मविश्वास दिला की आम्ही सिद्धीसाठी काहीतरी करू शकतो, तिने लहान असल्यामुळे ना तिच्या आमच्या दोघांवर चालू केलेली ट्रीटमेंट, कारण डायरेक्ट तिला दिली नव्हती सुरुवातीला, तुम्ही थोड्या दिवसांनी तिला कलरची ट्रीटमेंट दिली आणि नंतर मॅग्नेटची दिली आणि हळूहळू तिच्या चांगलीच प्रगती होत। तो ये हमने ऐसे और भी दो केसेस किए कि जिनके माँ बाप के ऊपर ट्रीटमेंट देने के बाद भी ट्रीटमेंट सक्सेस होती है, तो सुजोक देखो कितना ये है हमारे हाथ में, जो टूल सुजोक का प्रोफेसर ने दिया है, इसके लिए प्रोफेसर हमारे लिए सब तरह से, यानी इसे सिवा और ये नहीं है कि प्रोफेसर हमारे लिए सब कुछ, ऐसे लगता है क्योंकि प्रोफेसर ने हमारा जो स्टेटस है इस तरह से ये किया है, और ये नॉलेज है ये हमारे सबके लिए इस तरह से ऐसे दिया। तो ये है हम लोग कैसे भी ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं, अभी देखते हैं कैसे हम जा रहे हैं।
अभी ये देखते हैं, अभी ये 14 नवंबर इधर 00 था, 14 नवंबर 00 वहां से अपनी, अभी ये उस दिन 14 नवंबर का ये 00 है और अपने को जाना है कितने टाइम पे जाना है, 3 बजे कौन सा टाइम है अपना, 3:35 PM है, 3:35 PM तक जाना है। तो यहाँ मैं 00 से पकड़ के भी जा सकता हूँ, तो 00 से पकड़ के अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ क्या हो गया, 1 बज गया, 2 बज गए, यहाँ से ये 3 बज गए, लेकिन ये 3 सुबह वाले हैं, बराबर, यहाँ से ये 4 बज गए, ये 5 बज गए, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 11 और इधर आगे 12, 12 रात के। और आप कहाँ अपने को चाहिए, दोपहर के, हाँ दोपहर के चाहिए ना, हेट्रो फिंगर 12, ये 12 जो बज गए कौन से, दोपहर के 12 बचेगा, बच जाएगा ना, यहाँ ये ऐसे आप गए 1, 2, 3 करके ऐसे गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये दोपहर के 12 हो गए। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 00 भी आता है और दोपहर के 12 बजते हैं, 12 भी वहां आ गए। तो ये दोपहर के 12 अगर हम काउंट करते हैं, यहाँ ये दोपहर के 12 हमने काउंट किया है, 12, हाँ इस जॉइंट पे 12 है दोपहर के 12, तो इस जॉइंट पे अपने को एक बज गया, इधर 2 बज गए, 2 और इधर 3 बज गए, तो इनका ये राइट आंसर है, 3 बजे आ गए। और 3 के बाद 35 मिनट, तो 3 के बाद ये आगे जो 5 मिनट आगे, 3, 5 3:05 है, हाँ 3, हाँ 3:05। इसके बाद में ये 3:10, हाँ इधर आ गया 3:10, ये यहाँ 3:15, यहाँ 3:20 और ये 3:25 और इधर 3, यहाँ से इधर जाएंगे ना 3:25 के बाद ये 3:30 और यहाँ 3:35, तो इनका ये आंसर भी राइट हो गया। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई है, ओके, ये आपने आंसर बराबर किया, तो आपका 3:35 PM ये मिल गया। तो इस तरह से हम मिनट की काउंटिंग कर रहे हैं, एकदम मिनट की काउंटिंग जो होती है, कभी कभी कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह उस पर ट्रीटमेंट देते हैं तो इसका ये होता है, नहीं तो इतना एकदम एग्जैक्ट मिनट की काउंटिंग, इसके आगे भी जाके आप मिनट की काउंटिंग करेंगे, ये 5-5 मिनट वाला है। तो यहाँ अगर 3:35 है, 3:35 और मुझे 3:37 को ट्रीटमेंट देना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 3:35 यहाँ मैंने पॉइंट ओपन किया, 3:35 ये पॉइंट मैंने ओपन किया और उसके आगे और मैं जाऊँगा तो ये 3:36 हो जाएगा और यहाँ आके 3:37 हो जाएगा। ऐसे भी है, आगे वहाँ रुकने का, वहाँ रेंट करने का, जैसे आप 6 की में और ट्रायोजन में सीखा रेंट करना, तो अपने को क्या करना है, कोई भी जब ट्रीटमेंट आप इस तरह से कर रहे, तो महीना अभी 14 नवंबर है इस जॉइंट पे, 14 नवंबर, तो नवंबर जा है उस महीने को भी आप क्या करते हैं, महीने को ओपन कर सकते। तो अपना नवंबर इधर था ना, अपना नवंबर महीना इधर था, तो इधर एक पहला एक डॉट लगा देंगे, तो नवंबर महीने को आपने ओपन किया, नवंबर महीने को ओपन किया, उसके बाद में आप उसी दिन में आपको इधर आपने 1 तारीख लिखी थी, 1 तारीख बाद में इस इधर आ गए, 2 तारीख, 3 तारीख ऐसे करके आ गए, ये ऐसे घूमते घूमते आप आ गए, ऐसे घूमते और यह 14 तारीख आ गए, 14 नवंबर। तो 14 नवंबर की भी आपने ओपन किया, तो यहाँ भी एक डॉट लगा दिया ओपन करने का, बराबर है, इधर एक डॉट लगाया गया ओपन करने का उस पॉइंट को,
और बाद में आपको जो ट्रीटमेंट करना है, ये इधर डॉट लगाया ओपन किया, इधर भी पहला महीने का डॉट लगाया, उधर ओपन, इधर ओपन डे, और यहाँ से आप आगे 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 335 यहाँ मिल गया 335, तो 335 को भी डॉट लगाया ओपन किया, और उसके आगे भी जाना है आपको एक दो मिनट, अगर ऐसे रहता है कभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल देते देखेंगे, तो ये 337 वाला इधर मिल गया, उधर मैंने डॉट किया ओपन किया, ऐसे पॉइंट आप रेंटिंग करते हो ऐसे ओपन करते हो, तो यहाँ तक हम कैसे जाते यही देख रहे हैं, अभी ट्रीटमेंट का पार्ट अभी तक कुछ नहीं किया, कैसे जा रहे ये देख, तो ये भी क्लियर हो रहा है अपने को मिनटों में, 5-5 मिनट वाला भी, और 1-2 मिनट आगे पीछे जाना है वो भी कर सकते हैं, जैसे 335 वाला ये ज्वाइंट है, 335 वाला, ये 330 वाला ज्वाइंट है, और मुझे 333 पे जाना है, कुछ ऐसे है तो 333 पे जाना है, तो 330 को मैंने इधर का रेंटिंग किया है, और आगे अभी आगे के मिनट में जा रहा हूँ, 31-32 ऐसे आगे में जा, 31-32 ऐसे करके जाओ 333 में, तो ये भी अपने पास एक ऑप्शन है, मिनट मिनट पे जाना है, लेकिन इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट दे, तो यहां तक ये क्लियर हो गया कैसे कैसे हम जा रहे हैं, कुछ अभी डाउट है कुछ तो क्लियर करते हैं, और भी बोलिए कि आगे बढ़े, ओके तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी यहां तक आप पहुंच गए किसी भी जॉइंट जॉइंट पे पहुंच गए, उसी जॉइंट पे एक ट्रीटमेंट आपने क्या किया, ट्रीटमेंट आपने उस जॉइंट को जॉइंट हार्मोनाइज किया, ऐसे भी करेंगे जॉइंट को हार्मोनाइज करें, हार्मोनाइज करेंगे, हार्मोनाइज करना यानी क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को उसी जॉइंट के होमो यूट्रो न्यूट्रो सबको क्या करेंगे, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, विट्रोटोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन और होमोटोनिफिकेशन, इसको हार्मोनाइज बोलते हैं, यानी उस दिन के सभी एनर्जी को आपने हार्मोनाइज किया, ये उधर कर सकते हैं, या तो आपने क्या किया सिर्फ ओपन किया उस पॉइंट, दोनों भी है इस तरह से आपने उसी जॉइंट के ऊपर, समझो हाँ, मुझे अगर ट्रीटमेंट ही लेना है, अभी वो पेशेंट है उसको फीवर है, फीवर फीवर वाला पेशेंट सामने, अभी उसको मुझे ट्रीटमेंट देना है, तो उस जॉइंट पे आप पहुंच गए, उस जॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या करेंगे, फीवर की ट्रीटमेंट उसी जॉइंट पे दे देंगे, तो क्या आपको ट्रीटमेंट देनी है उस जॉइंट पे, क्या करेंगे, हाई फीवर है क्या करेंगे आप, हीट्रो सिडेशन करेंगे और होमो टोनिफाई कर रहे, न्यूट्रो को टोनिफाई कर, आप कलर से करें नीडल से करें उसी जॉइंट पे ये ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन, यहां आप डिसीज की ट्रीटमेंट दे, सिम्टम्स को पकड़ के उसी जॉइंट, जब आप 330 को ट्रीटमेंट दे, 330 के जॉइंट पे जाएंगे, वहां आज आपके सामने वो जो बैठा है उसको अभी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, अभी 10 बजे कोई आया पेशेंट आपके सामने, तो 10 बजे आया है और उसको आपको ट्रीटमेंट देना है, एक तो पॉइंट ओपन करके भी आप दे सकते हैं, पॉइंट ओपन करके दूसरे हाथ पे आपको जो ट्रीटमेंट देना है वो दे दे, दूसरे हाथ आप करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, आपने पॉइंट को हार्मोनाइज किया है वहां यानी ओपन किया, अभी एनर्जी उसको एनवायरमेंटल एनर्जी जो भी बोले भगवान की आशीर्वाद ये सब आपको मिल रहा है, उसको कुछ भी आप भगवान बोले एग्जिस्टेंस स्पिरिट बोले जो भी है वहां से एनर्जी उसको मिल रही है, और अभी आप ट्रीटमेंट देंगे दूसरे हाथ पे क्या करेंगे, जो भी आपको करस्पॉन्डेंस मालूम है करस्पॉन्डेंस देंगे, सिक्स की मालूम है ट्रायोजन मालूम है वो दूसरे हाथ पे आपको देना है, उसके एनर्जी को तो आपने ओपन किया वहां, तो ये 14 तारीख की एनर्जी को आपने किया और आपने ट्रीटमेंट दिया, तो ट्रीटमेंट आपकी इफेक्टिव होती है, तो ये फीवर की ट्रीटमेंट मैंने उसको दे दी, अभी समझो उसको पेनिंग ज्यादा है बॉडी के अंदर और आपके सामने बैठा है, तो उस ज्वाइंट पे आप क्या करेंगे,
पेन है तो क्या करेंगे, वो पेन बता रहा है तो क्या करेंगे, हिट्रो टोनिफाई होमो को सिडेट करेंगे, पेन ज्यादा है तो उसी जॉइंट, ये कर सकते हैं, बराबर है। कभी कभी उसी जॉइंट पे आप करस्पॉन्डेंस को भी ढूंढते हैं, पेनफुल पॉइंट ढूंढते हैं क्या, तो उसको भी ट्रीटमेंट देते हैं करस्पॉन्डेंस को। उसी जॉइंट पे आप 6T भी कर सकते हैं, 6T जो एनर्जी आपको ज्यादा लग रही है उस एनर्जी को आप सिडेट कर सकते हैं या बढ़ा। समझो ये जॉइंट, आपके पास ये जॉइंट मिल गया, उस जॉइंट पे आपको 6T करनी है, या आपने उस जॉइंट को खोला है, ओपन किया, आप नीडल लगा रहे हैं, तो नीडल यहाँ एक परपेंडिकुलर नीडल लगाते, रेंटिंग वन ये लगाते हैं, और नई नीडल है तो आप क्या कर रहे हैं, कलर यूज कर, तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर यूज किया, अभी ग्रीन कलर यूज किया, ये जॉइंट पे हम लोग है, और ये क्या कर रहा है, मेरे 6T करनी है, 6T उसको, ये फीवर वाले को ही, मेरे को अभी फीवर वाले को 6T अगर ट्रीटमेंट देनी है तो मुझे कोल्डनेस कम करना है वहां, सॉरी कोल्डनेस को बढ़ाना और हीट हॉटनेस को कम करना। हाँ, किसी का माइक चालू है, हाँ बार्किंग साउंड, हाँ तो आपको क्या करना है अभी इसके ऊपर, अगर ये फीवर के लिए मुझे हीट को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो फिंगर है, ये फिंगर की हीट्रो और होमो बॉर्डर आपको देखनी है, फिंगर की आपको मालूम हीट्रो बॉर्डर किधर है, लिटिल फिंगर साइड वाली हीट्रो और अंगूठे के साइड वाली होमो बॉर्डर, समझो ये बाजू अगर इसकी हीट्रो है, ये हीट्रो साइड है, हीट्रो साइड है, ये उसकी हीट्रो बॉर्डर है, हीट्रो बॉर्डर है, तो हीट्रो बॉर्डर की तरफ जो पहला पॉइंट आएगा वो विंड है, यहाँ एनर्जी ऐसी चल रही हीट्रो बॉर्डर की तरफ चल रही, तो इसमें ये सेंट्रल लाइन जो उसकी है और ये इन यंग बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में यहाँ उसको विंड पॉइंट मिलेगा, ये पहला पॉइंट जो मिलेगा उधर, ये उसका विंड पॉइंट मिलेगा, ये विंड पॉइंट है, विंड पॉइंट बाद, तो आगे ये विंड यहाँ मिला तो ये पीछे जो है वो हीट पॉइंट, और यहां मिलेगा वो हॉटनेस पॉइंट, पीछे हॉटनेस पॉइंट, यहां मिल रहा है वो ह्यूमिडिटी पॉइंट, ये आपने किया, यहां विंड पॉइंट रखते हो तो उसके डायगोनल अपोजिट में क्या आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आ जाएगा, बराबर है। और ये हीट पॉइंट के डायगोनल में कौन आ जाएगा, यहां ये ड्राइनेस आ गया, बराबर है, ये ड्राइनेस आ गया, और कोल्डनेस यहाँ क्या मिल गया अपने को, कोल्डनेस मिला, हॉटनेस और कोल्डनेस एक दूसरे के सामने आए। हाँ, तो अपने को ट्रीटमेंट में लेने हैं उसके दो पॉइंट ले सकते हैं, तो हम जो कोल्डनेस को टोनिफाई कर रहे हैं आप, ये लेफ्ट साइड हीट्रो बॉर्ड वहां जा रहे, कोल्डनेस को आपने क्या किया, तो हम जो कोल्डनेस को मैं ये नीडल ऐसे लगाई, कोल्डनेस टोनिफाई, और हीट के अगेंस्ट में ये नीडल लगाए, हीट सीडेट अगर नीडल लगा उसी जॉइंट पे, या तो क्या करेंगे हम लोग दूसरे हाथ पे जाके जो भी आपको मालूम है, 6T मालूम है, ट्रायोजन मालूम है, वो भी करेंगे। हाँ आशा जी, आप क्या बोलते हो, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हेलो सर, पेन के लिए हेट्रो सेडेट करेंगे या टोनिफाई करेंगे? हाँ, अभी पेन दो तरह का है, हाँ बराबर है, हीट्रो, हम पेन हमेशा होमो समझते थे, तो इसके लिए पेन सीडेट होमो करते और हीट्रो को टोनीफाई करते, लेकिन जब वो पेन हीट्रो स्टाइल में है, कभी कभी ये करना पड़ता है, हीट्रो स्टाइल में पेन है, तब हम क्या करते हैं, हीट्रो को सीडेट भी करते, हीट्रो को सीडेट और होमो को बढ़ाते हैं, ये भी होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। हमेशा पेन को सीडेट करने के लिए होमो सीडेट करना पड़ता है, होमो यानी पेन है, कॉन्ट्रैक्शन है, पेन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन,
पेन कॉन्ट्रेक्शन के कारण आता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रेक्शन होता है उस पार्ट में तो वहां ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हीट कम हो जाती है और वहां डीजनरेशन प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। इसके लिए पेन है, पेन है अपने लिए नेचुरल है, कुदरती है, अपने भले के लिए, क्योंकि डीजनरेशन समझ में आता है कि वहां डीजनरेशन शुरू है तो कुछ करो, सिखाई उधर हाँ कुछ आप सेक देते हैं कुछ, हाँ वॉर्म ये निर्माण करते हैं हम लोग, हाँ सेकते हैं, तो यह है क्योंकि पेन तब कम हो जाता है। तो पेन में डीजनरेटिव प्रोसेस है, इसके लिए हम होमोसिडेट कर रहे हैं। तो कभी कभी पेन जो होता है उसमें इतना पेन होता है और वहां इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, तब वो क्या करते हैं, हम हीट्रोकोसिडेट करते हैं, हीट्रोकोसिडेट तब ये करना पड़ता है हीट्रोसिडेट, क्योंकि वहां डिजेनरेटिव प्रोसेस है और जोर से बढ़ रही है, तो पहले उस जोर से बढ़ने वाली प्रोसेस को आपको कम करना है। कभी कभी ऐसे होता है अपने को पेशेंट मिलता है, वो पेशेंट को आप होमोसिडेट करने के बाद भी उसका पेन जल्दी कम नहीं होता है, तब समझना है कि मेरे को इसको अभी हीट्रोसिडेट ही करना है, पहले तो उसको रोकना है, उसका जो पेन है होमो है लेकिन वो हीट्रो हो गया है, ज्यादा बढ़ गया है, तब हीट्रोसिडेट करना है। और हमेशा के लिए पेन को क्या करना है, होमोसिडेट हीट्रोटोनिफाई, और ब्लड सर्कुलेशन को आपको बढ़ाना पड़ता है, तब ये पेनिंग जल्दी रुक जाता है, क्योंकि पेनिंग ये डिजेनरेटिव प्रोसेस को दिखाने वाला एक्सप्रेस करता है कि वहां डिजेनरेटिव प्रोसेस है और ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ है, जो भी है होमो आया है। आप देखते हो आप अगर कोई पेन बता रहा है तो पेन बताने के टाइम वो ऐसे सीना तान के पेट आगे लाके ऐसे नहीं बताएगा पेन, बराबर है ना, पेन बताने के टाइम वो ऐसे सब पूरी बॉडी स्ट्रेच करके ऐसे नहीं आएगा आपके सामने, तो झुक के आएगा, झुक के ऐसे बोल रहा है बहुत पेन है। कॉन्ट्रेक्शन, अगर दांत का दर्द है तो दांत का जहां दर्द है उधर भी वो कॉन्ट्रेक्शन, उसका चेहरा देखो, वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ चेहरा दिखेगा, फुला हुआ चेहरा, ऐसे हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखेगा, सब कॉन्ट्रेक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए उसने, तो पेन इज अ कॉन्ट्रेक्शन। तो इसके लिए होमोसिडेट करते हैं। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं, और कुछ पूछना है? तो यहां तक हम लोग कैसे जा रहे हैं किसी भी डिसीज के लिए, वो देखा। अभी क्या करते हैं हम लोग कि एक तो हार्मोनाइज ट्रीटमेंट दे रहे हैं, करस्पॉन्डेंस 6 की वहां कर सकते हैं या दूसरे हाथ पे देंगे। तो जॉइंट पे, उस जॉइंट पे अगर आपको ट्रीटमेंट देनी है तो उसी दिन की ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और बैक डेट में जाके भी ट्रीटमेंट करनी है, बैक डेट को ट्रीटमेंट अगर करनी है, बैक डेट पास्ट में जाके ट्रीटमेंट करनी है पास्ट पे, तो इसका अभी एग्जांपल देते हैं पास्ट में जाके। समझो किसी को, अभी यही एग्जांपल में जाते हैं, किसी को नवंबर की 1 तारीख को, नवंबर 1 तारीख को उसको बुखार चढ़ गया था, हाई फीवर था 1 तारीख को, और उसने ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर से जाके, ट्रीटमेंट लिया अच्छा भी हो गया, कुछ उसको चिकनगुनिया था, डेंगू था, जो कुछ था वो ठीक भी हो गया, लेकिन अभी 14 तारीख आज वो आया है और आपको बता रहा है कि तब से मुझे जॉइंट में ज्यादा पेन हो रहा है, उसके बाद में मेरा पेनिंग शुरू हो गया, तो अभी आपको जो ट्रीटमेंट देनी है, 2 तरह की ट्रीटमेंट हो जाएगी, एक तो उसके रूट पे ट्रीटमेंट देंगे, अभी जो पेनिंग है उसका, उसका कारण है ये फीवर है, तो रूट कॉज के ऊपर आप ट्रीटमेंट देंगे, एक ट्रीटमेंट, और दूसरी ट्रीटमेंट करेंगे आज 14 नवंबर को आज क्या करेंगे, आज के सिम्टम्स को ट्रीटमेंट देंगे, होमो हीट्रो जो भी है
उसको ट्रीटमेंट, तो इस तरह से अभी ट्रीटमेंट आपको देंगे। तो नवंबर एक तारीख की जो ट्रीटमेंट हो, जो जॉइंट आएगा नवंबर एक का, तो नवंबर एक का अपने को यहाँ ही मिल गया, समझो नवंबर एक यहाँ मिल गया बराबर, ये नवंबर एक इधर ही मिल रहा है, नवंबर एक ये मिल रहा है, तो उस जॉइंट पे आपको एक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी नवंबर एक वाले। तो नवंबर एक वाले को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे उस जॉइंट पे, उस दिन उसको तकलीफ हुई थी नवंबर एक तारीख को, हाई फीवर था और दूसरे दिन से उसका ये पेनिंग जॉइंट में सब पेनिंग शुरू हो गए और अभी तक पेनिंग तो चल रहा है, तो नवंबर एक तारीख को जो एनर्जी उसकी इम्बैलेंस हो गई, एक तारीख को इम्बैलेंस एनर्जी क्या हुआ था उस वक्त, उसको आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि वो वहां जो इम्बैलेंस एनर्जी हो गई उसके कारण ये बाकी के प्रॉब्लम आगे आ गया, तो नवंबर एक तारीख को आपको ट्रीटमेंट क्या देंगे, वहां ट्रीटमेंट क्या रहेगी, क्या ट्रीटमेंट करेगा, हेट्रोसिडेशन, हेट्रोसिडेशन, हेट्रोसिडेशन और होमो टोनिफिकेशन, न्यूट्रोटोनिफिकेशन, ये ट्रीटमेंट अपने को देना पड़ेगा क्योंकि वहां से एनर्जी जो इम्बैलेंस हो गई और आगे आगे ये चलती गई, तो एक ट्रीटमेंट आपको उसी जॉइंट पे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी और बाद में आज की ट्रीटमेंट 14 नवंबर, ये ट्रीटमेंट आप 14 नवंबर को, 14 नवंबर वाले जॉइंट पे क्या देंगे ट्रीटमेंट, अभी उसको पेनिंग है पेन, तो उस जॉइंट पे होमोसिडेशन करेंगे, हेट्रोटोनिफाई करेंगे उस जॉइंट पे, न्यूट्रोटोनिफाई, न्यूट्रोटोनिफाई ये करेंगे, यानी दो ट्रीटमेंट उसको लगेगा। तो इस तरह से आप उसको ट्रीटमेंट कॉज के ऊपर भी दे रहे हैं और बाद में आप भी के टुडे सिम्टम्स के ऊपर, ये ट्रीटमेंट देने के बाद वहां से हमने कॉज को हटा दिया, यानी वहां से जो कॉज टाइम के साथ चलते आया है तो वहां पहले उसको हमने कम कर दिया, तो ये फ्री हो जाएगा इधर कट। तो इस तरह से हम, अगर अपने को 6 की ट्रायोजन बराबर मालूम है तो बहुत अच्छी तरह से उसका यूज हम कर सकते। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे कॉज पे ट्रीटमेंट दिया, मतलब रूट कॉज पे, हाँ। और फिर हम टुडेज ट्रीटमेंट पे आ गए, हाँ। जैसे अभी ये सिम्टम में चिकनगुनिया में जॉइंट पेन है, तो अभी ये ट्रीटमेंट सेशन हाउ इट विल डिपेंड, मतलब रिस्पोंडेंस उसका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है उतने सेशन पे जाएगा, हाँ। ये उसको आप ट्रीटमेंट देते हो उसको अच्छा तो होता ही है, उसको लगता ही है अच्छा। अभी ये जो कॉज वाली ट्रीटमेंट है, चाहे तो दूसरे दिन नहीं किया तो भी चलेगा, वो दूसरे दिन भी आएगा आपके पास, तो आप दूसरे दिन उसके जो ट्रीटमेंट बाकी की चालू है, आपने उस कॉज को पहले कम कर दिया, हटा दिया, चाहे तो आपके कॉन्शियसनेस के, अभी जैसे मेरे को लगता है कभी कभी 4 दिन ये कॉज वाली ट्रीटमेंट दे दो, होमो यूट्रो न्यूट्रो न्यूट्रो, हाँ इसकी दे दो, हाँ 4 दिन में इसको दे दूंगा, बाद में इसको मैं हटा देगा इसको, ओके, फिर डायरेक्ट सिम्टम, ये सिम्टम वाली ट्रीटमेंट मेरी चालू रहेगी, वो जो बताएगा वो ट्रीटमेंट मेरी चालू है वो करेगा, एक दिन की भी चल सकती है और लगता है तो मैं होमो यूट्रो न्यूट्रो एक बना देगा, क्योंकि हर बात में होमो यूट्रो न्यूट्रो का सीक्वेंस रहता है, तो उस सीक्वेंस के हिसाब से मैं चार्ज सपोज पेशेंट कभी ऐसे जनरली पूछते हैं कि हाउ मेनी डेज आई हैव टू कम, ऐसा दे आस्क, तो हम 4 दिन उसको पहले अपना कॉन्शियसनेस अगर बोलता है कि 4 दिन हम कॉज की वो लेके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो फिर अदर सिम्टम के लिए भी 4 दिन गिनना है या अकॉर्डिंगली जाना है? नहीं नहीं, पहले दिन से तो आप सिम्टम की ट्रीटमेंट दे ही रहे हो पहले दिन से, ओके ओके फाइन, 4 दिन ये 4 दिन और ये 4 दिन अलग नहीं करने, अलग नहीं, एक ही दिन दोनों ट्रीटमेंट, हाँ? Done. और हाँ. ये जो सिम्टम वाला ट्रीटमेंट कभी हो सकता है 8 दिन का लगे या 10 दिन का लगे, बाकी ये अभी कॉज वाला ट्रीटमेंट आपने छोड़ दिया, बाद में इसको ही देना शुरू किया, हाँ. तो ये होता है,
ओके और कभी कोई पेशेंट पूछता है कितने दिन लगते हैं तो ये कभी भी हम अपनी तरफ से, मैं इतने बरस से जो कर रहा हूँ मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि ये डॉक्टर जैसे कोई फॉर्मुलेटेड नहीं है, आपका 3 दिन का गोली लेना है, हाँ 5 दिन का गोली लेना है, तो ये ऐसे नहीं है। हाँ ये आपकी एनर्जी वहाँ काम कर रही वो ही बताएगी, आपको ही बताए, कभी हो सकता है कि एक दिन में ही ठीक हो जाए, दूसरे दिन उसको जरूरत ही नहीं लगती। तो ये हम बराबर, हाँ सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि 10-12 दिन आपको कम से कम, यानी बोल नहीं सकते आज भी आपको ठीक लगेगा ये हम, हाँ लेकिन आज नहीं तो पेशेंट क्या करे, हम लोग भी बोले कि 4 दिन हो गया तो 4 दिन वो पेशेंट इम्पेशेंट बन जाता है, कैसे नहीं होता, और वो आपको भी डिप्रेस करेगा और खुद भी डिप्रेशन में है, ये पैथी को बदनाम कर देगा। तो अपने को कभी इसका टाइम ड्यूरेशन कभी ये नहीं, इट डिपेंड्स नहीं करना है, हाँ क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है, उनको यही बताना है आपका आपका माइंड बॉडी सोल ये सब अलग है, आप जो कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपके माइंड के अंदर क्या चल रही है, प्रोसेस भी आपके डिशेज से कनेक्टेड होता है। हाँ तो मेरे को क्या मालूम कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, ये फिजिकल दिख रहा है, ये पेन है ये दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या क्या चल रहा है, आप क्या क्या करने वाले हैं कुछ मालूम नहीं, आप क्या खाने वाले हैं, कौन सा क्या कनेक्शन, आपका कामकाज क्या है, हाँ तो ये सब उसके मायने रखता है। ओके बराबर, थैंक यू। और कुछ सर? एक मिनट, हाँ बोलिए सर, एक बात पूछूं मैं? हाँ बोलिए सर। अभी जो कॉज का जो ट्रीटमेंट करना है और जो सिम्टम जो अभी आ रहे हैं आज के प्रेजेंट के, उसका ट्रीटमेंट करना है, दैट ट्रीटमेंट शुड बी कैरीड ऑन बोथ डिफरेंट हैंड्स और ऑन द सेम हैंड, दिस इज वन क्वेश्चन, एंड कंट्रोलर शुड बी गिवन वेयर? हाँ अभी एक तो ट्रीटमेंट आप, मैंने जैसे बोला कि दूसरे हाथ पे ले सकते हो, दूसरे हाथ पे अगर क्रायोजन कर रहे हो, सिक्सी कर रहे, सब करो दूसरे हाथ पे तो भी चलेगा, उसी हाथ पे उसी ज्वाइंट पे करना है तो ज्यादा पॉइंट हम यूज नहीं कर रहे, उसमें भी करेंगे। हाँ 14 नवंबर 1 नवंबर वाले ज्वाइंट पे भी करेंगे, हाँ करेंगे, नहीं तो दूसरे हाथ पे आप ट्रायोजन से जाते हो, ट्रायोजन से क्या करते हो आप बॉडी पे जाते हो, हाँ बॉडी के बाद उसके कंट्रोल कहा देना है, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल उस हिसाब से जो फिंगर पे आप आ रहे उस फिंगर, हिट्रो न्यूट्रो फिंगर है तो कंट्रोलर अपर ज्वाइंट है, और होमो न्यूट्रो है तो कंट्रोलर लोअर ज्वाइंट है, यही कंट्रोलर का फॉर्मूला ये है अपना यूज करना है। ठीक, कौन से फिंगर पे आपको एंड हो रहा है फिंगर पे वो ही आप ले रहे अपर ज्वाइंट या लोअर? नहीं नहीं, माय क्वेश्चन इज दैट सर कि एक एक ट्रीटमेंट आ रही है हेट्रो न्यूट्रो पे, हाँ, और एक ट्रीटमेंट आ रही है होमो न्यूट्रो पे ग्रुप, हाँ, तो दो ज्वाइंट यूज हो गए, दो ज्वाइंट हो गए, आपने इंफॉर्मेशन वहां जाके दे दी, okay, और okay. ये दो फिंगर वाले इंफॉर्मेशन वो ज्वाइंट पे जाके दे, ओके ओके ओके, यही यूज करते हैं, मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ, यानी ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस सब बातें हैं, हाँ सिर्फ बुकिश बातें नहीं है, हाँ हम लोग एक्सपीरियंस करते गए क्योंकि पेशेंट उतने अपने पास होते हैं तो एक्सपीरियंस करते गए। अच्छा हाँ, और कुछ पूछना है सर? एक मिनट, मुझे पूछना था कि सर जैसे सिम्टम्स को 14 नवंबर को हमारे पास में आया है जॉइंट पेन के पास आपने, और वापस अगर हमारे पास 15 नवंबर को आता है तो क्या हमें 15 नवंबर के जॉइंट पे ट्रीटमेंट देना है कि 14 नवंबर के जॉइंट पे देना? 15 उसी दिन का वो जॉइंट रहेगा, जैसे फर्स्ट नवम्बर का था तो रूट कॉज पे भी देना पड़ेगा सर, मतलब 1 नवंबर के जॉइंट को? हाँ 1 नवंबर को तो आपको देना है, अगर 4 दिन आप देने जा रहे हैं तो नवंबर वाला ज्वाइंट वही है 1 नवंबर वाला, लेकिन आपको जिस दिन आएगा वो अलग अलग ज्वाइंट बदलते जाएंगे, आज के सिम्टम्स कल अलग, कल वो और कुछ बोलेगा और भी सिम्टम बताएगा वो अलग है, तो उसके आप जैसे जिस जिस दिन को जा रहे हैं वो करेंगे, और आप नहीं तो एक ओपन पॉइंट उस दिन का ओपन पॉइंट बराबर जो भी ट्रीटमेंट के आपको समझो अभी सिक्स की और एक मालूम नहीं, ट्रायोजन मालूम नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग पॉइंट ओपन पॉइंट वहां करेंगे, और अपने को ट्रायोजन भी मालूम नहीं, ओपन पॉइंट वहां किया उसी जॉइंट का और दूसरे हाथ पे अपने करस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट लगा दी, ओके हाँ तो भी चले, ओके थैंक यू सर। और कुछ पूछना है? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग,
बैक में भी, बैक साइड बैक यानी पास में भी जा रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है अपने को कि मुझे हमेशा विंटर सीजन में ही तकलीफ होती है, अभी पर्टिकुलर अगर बोल रहा है कोई कि मुझे विंटर सीजन वाली तकलीफ हो रही है, विंटर सीजन में मुझे ज्यादा जॉइंट पेन होते हैं, सब तरह की तकलीफ है, घर से बाहर नहीं निकलता हूं, बहुत सारी तकलीफ विंटर में होती है, तो क्या करना है आपको विंटर सीजन? कौन सी फिंगर पे है विंटर सीजन? लिटिल फिंगर पे, बराबर, लिटिल फिंगर विंटर सीजन। और वो पूरी फिंगर को अगर जब लेना पड़ता है तो उसके टिप को, फिंगर के टिप को आप रेंटिंग करना, वहां ओपनिंग पॉइंट हो रहेगा सीजन का ओपनिंग पॉइंट टिप में। अगर निडल लगाते हो तो परपेंडिकुलर निडल वहां लगाए, तो पूरा सीजन खुल गया, विंटर सीजन खुल गया आपके सामने। विंटर सीजन ये लिटिल फिंगर समझो, लिटिल फिंगर है विंटर सीजन, ये पूरा सीजन खुल गया विंटर सीजन। तो उस सीजन की ट्रीटमेंट एक तो क्या करेंगे, इसके नेल के ऊपर दे सकते, पूरी फिंगर है तो नेल के ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं, या तो हीट्रो का हीट्रो ज्वाइंट, हीट्रो हीट्रो ज्वाइंट ज्वाइंट, होमो का होमो ज्वाइंट, होमो ज्वाइंट का होमो फिंगर, होमो ज्वाइंट का होमो पॉइंट, होमो पॉइंट ऐसे लिखते हैं होमो पॉइंट, हीट्रो ज्वाइंट का हीट्रो ज्वाइंट का हीट्रो पॉइंट ये लेते हैं, न्यूट्रो ज्वाइंट का। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, आप मुझे फिर से स्टार्टिंग से बताएंगे? हाँ चलो, अभी अपने को ट्रीटमेंट करना है, पूरी फिंगर है, विंटर सीजन को ट्रीटमेंट देनी है, क्योंकि पूरा सीजन उसका खराब जाता है, पूरे सीजन में उसको जॉइंट पेन से लेके सब, हाँ ठंडी की सब तकलीफ उसको होती है, तो पूरा सीजन उसके लिए खराब जाता है, तो पूरी सीजन वाली ट्रीटमेंट उसको अभी करनी है। बाकी का आप उसको सब कुछ कर रहे हैं तो एक पूरे सीजन को भी एक कंट्रोल वाली ट्रीटमेंट करनी है। तो मैं क्या करूँ, एक तो पूरी फिंगर है, तो आप सिक्स की और ट्रायोजन में देखा है पूरी फिंगर है, तो क्या करेंगे, हीट्रो का हीट्रो जॉइंट जो है उसका हीट्रो पॉइंट ट्रीटमेंट में लाएंगे, होमो जॉइंट का होमो पॉइंट ट्रीटमेंट में लेंगे, और न्यूट्रो जॉइंट का न्यूट्रो पॉइंट ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, हाँ ट्रीटमेंट में लेने वाले। अगर न्यूट्रो लेना है तो न्यूट्रो जॉइंट यानी नेल का न्यूट्रो जॉइंट का न्यूट्रो पॉइंट, ये पॉइंट अपने को यूज करने, तो समझो उसको ठंडी की ट्रीटमेंट देनी है, ठंड की ट्रीटमेंट, उसके जॉइंट पेन है, सब कुछ पेन है, तो पेन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सब पेन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस सीजन में उसको पेनिंग तकलीफ ज्यादा है, क्या करेंगे, तो होमो पॉइंट को आपको कम करना है, उसके होमो पॉइंट, तो होमो जॉइंट का, इसका जो होमो जॉइंट रहेगा, होमो जॉइंट रहेगा, होमो जॉइंट का होमो पॉइंट आपको सीडेट करना पड़ेगा, होमो पॉइंट को सीडेट करेंगे, हीट्रो जॉइंट का हीट्रो पॉइंट को टोनिफाई करेंगे, न्यूट्रो जॉइंट का न्यूट्रो जॉइंट का न्यूट्रो पॉइंट को टोनिफाई करेंगे। जो ट्रीटमेंट आप देते हो जॉइंट के ऊपर इस तरह से देना है, या तो मिडल जॉइंट के ऊपर न्यूट्रो जॉइंट के ऊपर ये सब ट्रीटमेंट करने, हीट्रो टोनिफिकेशन होमो सीडेशन ये सब ट्रीटमेंट आपको न्यूट्रो जॉइंट पे कर, नहीं तो तीसरा ऑप्शन आपके पास नेल है, उसी फिंगर का नेल, तो तीन ऑप्शन है, एक तो आपको इस जॉइंट के ऊपर दे दो न्यूट्रो जॉइंट के ऊपर पूरा फिंगर कवर करने के लिए, आपके कॉन्शियस आपको जो अच्छा लगता है, या तो हीट्रो होमो न्यूट्रो सभी जॉइंट का एक एक पॉइंट ट्रीटमेंट में लाओ, या नेल के ऊपर दे दो। अभी नेल का भी मैंने कल बताया आपको, हीट्रो होमो कैसे पॉइंट है, बॉर्डर के दोनों साइड बॉर्डर पे हीट्रो होमो है, जो नेल की बॉर्डर लिटिल फिंगर की तरफ है वो हीट्रो पॉइंट रहेगा, समझो ये हीट्रो है तो इसके अपोजिट में ये पॉइंट होमो रहेगा, और नेल जहाँ आप काटते हो न्यूट्रो है और ये पॉइंट न्यूट्रो है बेस वाला, और एनर्जी हमेशा न्यूट्रो टू हीट्रो जाती है, अगर ये पॉइंट हीट्रो है तो न्यूट्रो से हीट्रो जाएगी, एनर्जी इस तरह से जा रही है, तो उसके ऊपर आप नीडल
मैग्नेट या कलर लगाते हैं। तो मैग्नेट के समय हम क्या करते हैं, मैग्नेट के लिए हमेशा हम लोग एक ही कलर वाले, यानी एक तो साउथ अप या नॉर्थ अप, यानी व्हाइट अप या येलो अप। मैं तो ऐसे करता हूं, मैं अलग अलग नहीं करता हूं, सीडेशन और टोनिफिकेशन के मैग्नेट में अलग अलग नहीं करता हूं, हिट्रो को, होमो को, न्यूट्रो को एक ही मैग्नेट, वैसे ही मैग्नेट लगाता हूं। यानी मैंने अगर येलो वाले मैग्नेट ले लिए, येलो अप वाले, तो सभी जगह में येलो अप करता हूं, या व्हाइट अप तो सभी जगह व्हाइट अप करता हूं। मैं वो बाइफर्केशन नहीं करता हूं कि उसमें हिट्रो को टोनिफाई करना है तो व्हाइट अप वाले लगाओ, होमो को सीडेट करना है तो उसके ऊपर येलो अप वाले लगाओ, ये मैं नहीं करता। मैं डायरेक्टली इस तरह से मैं करता हूं, एक ही तरह के मैग्नेट सभी पॉइंट पे लगा और रिजल्ट मिल रहे हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस ये है, रिजल्ट मिलते हैं। मैं ये क्यों करता हूं, तो ये देखता हूं कि मैं सभी पॉइंट्स को एक लाइन पे लगा रहा हूं, सभी उनकी एनर्जी एक लाइन पे ला रहा हूं। कोई हिट्रो हो गया, कोई आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया, मैं उनको सभी को एक जगह पे लाना चाहता। और ये मैग्नेट मैं एक ही तरह के मैग्नेट लगाए तो जो हिट्रो हो रहा है, हाँ मैंने समझे येलो अप वाले लगाए, जो हिट्रो बढ़ रहा है वो येलो अप से क्या हो जाएगा, वो सीडेट हो गया। और उस वक्त होमो जो पीछे जा रहा है, पीछे छूट रहा है, वो भी उसका पीछे छूटना कम हो गया, वो भी एक जगह पे आ गया, क्योंकि मैंने सीडेशन वाला एक ही तरह का मैग्नेट या बढ़ाने वाला एक ही तरह का मैग्नेट लगाया। तो सब लोग एक लेवल पे लाए, सभी फोर्सेस एक लेवल पे लाए, ये मेरा लॉजिक है और मुझे इसके सब एक्सपीरियंस हो मिल रहे हैं। अभी भी हमेशा मैं ये काम, यानी आप करने में को ये नए लोग थोड़े डर जाएगी कि समर सामने वाला अगर मैं पैसा ले रहा हूँ उसको आराम नहीं हो गया तो लेकिन आप बेझिझक ये कर सकते हो। मेरे सब स्टूडेंट ये करते हैं कि एक ही तरह का ये लगा रहा हूँ और इसके पीछे एक लॉजिक है मेरा। ये लॉजिक मैं बचपन से जो देखते आया, मैं जिस एरिया में था जिधर वह हमेशा झगड़े दंगा फसाद ये हो रहा, तो पुलिस आने के बाद पुलिस कर्फ्यू लगा देती, तो कर्फ्यू होने के बाद सब अपने अपने घर में गए और दंगा मिट जाता था। क्यों, ये कर्फ्यू 4 घंटे का 10 घंटे का कर्फ्यू हो गया, बाद में लोग बाहर आ गए और एकदम रूटीन लाइफ शुरू हो गया। ये मैंने देखा है कि सबको अपने अपने घर में जाओ और बाद में सबकी लाइफ शुरू होती है एक जैसे। यही नहीं है, हमारे बिल्डिंग में जो झगड़ा होता था तो झगड़ा, हम बच्चे लोग को झगड़ा देखने के लिए हमें मजा आती थी, झगड़ा हो रहा है तो लोग क्या करते थे, जो दोनों में झगड़ा हो रहा है उसको उसके रूम में ढकेल देते थे, बाहर से खिड़की लगा देते थे, दरवाजा लॉक करते थे बाहर से, और जो दूसरा है उसका झगड़ा करने वाला उसको भी अपने रूम में दूसरे रूम में लगा देते थे, उसको भी लॉक करते थे। और हम बच्चे लोग, हम लोग चाहते थे कि झगड़ा और कैसे, पिक्चर देखना है अपने, उस वक्त एंटरटेनमेंट यही था हमारे, हाँ तो हम अपने अपने दरवाजे में बैठे रहते थे कि आप बाहर आएंगे ना तो फिर से लड़ेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो बाहर आते थे तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बंद हो जाता था। ये मैं बचपन से देखते आया, तो यही मैंने वो फॉर्मूला कर्फ्यू ऑर्डर जैसे ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया कि चलो सबको एक लेवल पे लगा दो, हिट्रो होमो न्यूट्रो सब आप सभी एक लगे लेवल पे आ जाओ, और बाद में बॉडी क्या करेगी, हिट्रो को बढ़ना है कि होमो को कम होना है, बॉडी विल डिसाइड। और ये मेरा फॉर्मूला चल गया, सभी ट्रीटमेंट में यही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। एक तो व्हाइट अप लगाएगी या येलो अप लगाएगी, 6 की में भी मैं ये कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन नहीं करता हूँ कि हिट्रो को टोनिफाई करना है, होमो को, वहां इतनी छोटी जगह में अलग अलग मैग्नेट में नहीं कर रहा हूं। और ये फॉर्मूला पूरा कामयाब होता है, सब सक्सेस मिलता है, ये देखते हैं अभी भी मैं कितने सालों में ये करता हूँ। तो आप भी बेझिझक इसको अप्लाई कर सकते हो।
तो ये हो गया, हम मैग्नेट कैसे लगाते हैं, पूरी फिंगर को कैसे यूज करते हैं, ये देखा हमने। और कुछ पूछना है पूछ सकते हो। बियॉल मैग्नेट लगाते हैं कि बार मैग्नेट लगाते हैं? बियॉल मैग्नेट, सभी पॉइंट्स के ऊपर बियॉल मैग्नेट लगा। अभी अभी और इसमें क्या करेंगे, समझो कोई बोल रहा है जब से ये एक्सीडेंट हो गया या मेरे को उस वक्त तो बुखार चढ़ गया, बुखार चढ़ने के बाद उस वक्त मैं 2-4 दिन में कोमा में था, अनकॉन्शियस था, बाद में अच्छा भी हो गया, लेकिन उसके बाद से मेरी लाइफ सब कुछ एकदम चेंज हो गई, बिगड़ गई सब मेरी, बाद में सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। या वो बोलेगा मेरे फैमिली रिलेशन में गड़बड़ हो गई, उसके बाद में बीमारी से तो मैं बाहर आ गया लेकिन मेरी इस तरह की गड़बड़ हो गई। कोई भी पैरालिटिक पेशेंट है उसके बाद में वो बोलता है रिलेशनशिप में गड़बड़ हो गई, अभी घर वाले भी उतना ये नहीं करते, थोड़े दिन हो गया बाद में घर वाले अभी इग्नोर कर रहे हैं मेरे। तो ये भी ट्रीटमेंट आपको अगर ट्रायोर्जन मालूम है, कुछ मालूम है, तो दूसरे हाथ पे ये सब ट्रीटमेंट आप करेंगे। उस जिस दिन उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया वो एक ट्रीटमेंट होगी आपकी, बाद में अभी आपके सामने आया है तो पैरालिसिस की अभी जो ट्रीटमेंट है वो भी आपकी चालू रहेगी, डिटेल वाली ट्रीटमेंट कि उसको ब्रेन में क्या हो गया क्या हो गया, ये सब जो डिटेल करते हो ट्रीटमेंट, आपको अगर ट्रायोजन और की मालूम है तो पूरा ट्रीटमेंट वो भी करेंगे। उसके बाद में आपको लाइफ, उसके लाइफ में जाने का ट्रीटमेंट जो है ट्रायोजन में लाइफ में जाते हैं आप, बॉडी माइंड सोल पे जाते हैं, तो लाइफ में जाएंगे और लाइफ में जाके वहां अगर उसकी लाइफ में होमो आया है तो वहां से होमो को सिलेक्ट, ये आगे वाला ट्रीटमेंट है, ये अपने इस सिलेबस का नहीं है। आपको अगर ट्रायोजन इस तरह से आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कौन सा भी ट्रीटमेंट। और ये जो ट्रायोजन वगैरह जो दिया है वो इस तरह का है कि आप कौन से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, मदद कर सकते हो, प्योर नहीं किया तो मदद तो हो जाएगी आपकी, कौन सा भी प्रॉब्लम है वो, माइंड बॉडी सोल कौन से भी लेवल का है तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ओके, तो अभी आप हमारे हाथ में ये टूल है, लेकिन आपको सिक्स की और ट्रायोजन बहुत अच्छी तरह से आता है तो बहुत इफेक्टिवली यू कैन यूज दिस टूल। अगर करस्पॉन्डेंस आता है तो करस्पॉन्डेंस ठीक है,